लेवर बेल्ट्स का बाइंग गाइड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक लेवर बेल्ट खरीदना चाहते हैं क्या क्या चीजें उसमें आपको देखनी चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ विद सबसे पहला चीज कि उसका लेदर कैसा है। अब ये चीज आप ऑनलाइन अगर कोई लेदर बेल्ट ले रहे हैं देन आपको पता चलना इम्पॉसिबल है, सिर्फ अगर कोई रिव्यू बना रहा है उससे ही आपको पता चल सकता है, क्योंकि लेवर बेल्ट लेदर के ही बने होते हैं ऑफकोर्स। बट लेदर में जेन्युइन लेदर आता है और आर्टिफिशियल लेदर आता है। जेन्युइन लेदर जैसे कि SBD का जो बेल्ट है वो जेन्युइन लेदर है, और आर्टिफिशियल लेदर जैसे हैक के ये दोनों जो बेल्ट हैक बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल लेदर से ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रांड्स है जो एकदम सस्ते दाम में भी आपको बोलते हैं कि हम जेन्युइन लेदर ऑफर कर रहे हैं। अब द इशू इज कि जेन्युइन लेदर का प्राइस उतना कम नहीं है, और 4,000 से 5,000 रुपए में जेन्युइन लेदर सच में एक बड़ी चीज है भाई। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जेन्युइन लेदर को आर्टिफिशियल लेदर से डिफरेंशिएट करने के लिए कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है, आप बस बेल्ट को देख के कभी बोल नहीं सकते। ये जो लेदर फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं सिर्फ वही बोल सकते हैं कि कौन सा जेन्युइन है और कौन सा आर्टिफिशियल लेदर है। तो मैं बोलूंगा जो ब्रांड्स एकदम सस्ते में क्लेम कर रहे हैं कि हम जेन्युइन लेदर दे रहे हैं, मुझे पता नहीं वो कितना सच है। हैक एथलेटिक्स इस बारे में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं, वो कभी भी क्लेम नहीं कर रहे कि हम जेन्युइन लेदर दे रहे हैं, बट वो जो लेदर दे रहे हैं बहुत बढ़िया है। बट यहाँ पे एक और चीज है जो आपको केयरफुल रहना है, जो कि आपको क्या करना है, आपको लेवर बेल्ट के जो होल्स के अंदर है यहाँ पे आपको ठीक से देखना है, और देख के आपको पता लगाना है कि लेदर के कितने लेयर्स यूज किए गए हैं। जैसे इस हैक एथलेटिक्स बेल्ट में आप 2-3 लेयर्स देख सकते हैं, ब्राउन का, रेड का और ब्लैक का। यहीं पे कुछ सस्ते ब्रांड्स क्या करती है, लेवर बेल्ट के अंदर आपके कार्डबोर्ड दे देती है। अब ये चीज आपको अवॉइड करने के लिए हमेशा ऐसे होल्स के अंदर आपको ठीक से देखना है। अगर कार्डबोर्ड यूज किया गया है वो इजीली आपको देख के पता चल जाएगा, क्योंकि कार्डबोर्ड का रंग थोड़ा सा अलग होगा, और इन जनरल आपको जो लेवर बेल्ट है वो उतना ज्यादा आपको रिजिड फील नहीं होगा जब पहनते हुए। ये सबसे बड़ा स्कैम है, ऐसे कार्डबोर्ड यूज किए जा रहे हैं लेवर बेल्ट के अंदर ताकि लेदर कम यूज कर सके और एज अ रिजल्ट प्राइस भी कम कर सके। सेकेंड जो चीज लेवर बेल्ट के रिगार्डिंग आपको देखना है कि उसका लेवर बेसिकली कैसा है। जब चलो दिखा के समझाता हूँ। लेवर में कुछ चीज आपको नोटिस करना है, ठीक है। लेवर के ऊपर ऐसे आपके पिन्स यूज किए जाते हैं, आपको देखना है कि पिन ठीक तरीके से इंसर्ट किया गया है कि नहीं। अगर नहीं किया गया है, लेवर को जैसे ऐसे अगर आप खोलेंगे और फिर जो पिन का एरिया है उसको ऐसे हिलाएंगे, देन देखेंगे कि पिन ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है और लेवर काफ़ी मूव कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है आपके लेवर के साथ देन ओवर टाइम ये लेवर टूटने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि ये लेवर का पिन है जो ठीक से बैठा नहीं है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं परफेक्टली बैठा है, एकदम हिलता विलता नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए आपका पिन। एक और चीज़ आपको नोटिस करना है कि ये जहाँ पे आपका लेवर बेल्ट, ये लेवर जहाँ पे लेदर से लगा है वहाँ पे पिन्स कैसे यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऐसे वर्टिकली पिन सेटअप किया गया है, और इस एक्सट्रीम एक्स के बेल्ट में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉराइजॉन्टली पिन सेटअप किया गया है। हॉराइजॉन्टल पिन सेटअप से क्या होता है, ये लेवर होता है ना, ये थोड़ा सा मूव करता है। ऑल दो इस एक्सट्रीम एक्स बेल्ट में एकदम भी मूव नहीं करता, बढ़िया उन्होंने पिन का सेटअप दिया है, बट कुछ बेल्ट में ऐसे मूवमेंट होता है, इसीलिए ऐसा एक वर्टिकल सेटअप पिन इज द बेस्ट, क्योंकि इससे लेवर आपका एकदम भी मूव नहीं करेगा। ये जैसे आप देख सकते हैं एकदम भी मूव नहीं करता। तो ये दोनों चीजें आपको लेवर में पहले चेक करना है कि ये चीजें आपके ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे, लेवर बेल्ट को रिटर्न कर दो भाई। अब सच बताओ तो आप जैसे पैसे देंगे ही आपको एक बेटर लेवर मिलता रहेगा। इसमें इस लेवर में कोई आवाज वगैरह नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीमेक्स ने इसको एक बजट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है, तो इसमें वो जो टक टक करके आवाज़ आता है लेवर में, तो लेवर का स्मूथनेस है वो भी थोड़ा सा मिसिंग है। आई वुड से थोड़ा सा इसमें आवाज़ होता है, बट वो हार्डकोर आवाज़ नहीं होता है इसमें। यही अगर आप थोड़ा सा और पैसे दे के इस हैक एथलेटिक्स बेल्ट में देखेंगे, दिस विल फील मच स्मूदर। ये बंद करते समय आपको एक टक करके आवाज़ आता है, खोलते समय आवाज़ उतना नहीं आता, बट बंद करते समय आवाज़ आपका आता है, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है कंपेयर टू द एक्सट्रीम एक्स, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसका लेवर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और पैसे दे के 8,500 रुपये दे के हैक का 13mm का लेवर बेल्ट खरीदेंगे, ये कुछ अलग ही लेवल का लेवर है भाई। ये देखिए एक बार, आवाज़ सुन रहे, ये आपको एक प्रॉपर वो जो टक टक वाला आवाज़ है पूरा इसमें आता है। जस्ट लुक हाउ स्मूथ इट इज़ टू क्लोज।
सिंपल एक हाथ से मैं ऐसे क्लोज कर सकता हूँ। तो आप जितना पैसा देंगे उतना ही आपको लेवर में स्मूथनेस मिलेगा, लेवर का टक टक आवाज़ मिलेगा और उतना ही मतलब एक हाई क्वालिटी लेवर मिलेगा। ये जितना पैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। लास्टली अगर हम बात करें स्टिफनेस की, देन ये अगेन एक पूरा मिथ है कि आर्टिफिशियल लेदर जेन्युइन लेदर जितना स्टिफ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सबसे स्टिफ बेल्ट मैंने आज तक जो यूज किया ये हैक एथलेटिक्स का ही बेल्ट है, 13 mm जो बेल्ट है वही है भाई। स्टिफनेस कितना देना चाहता है मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर है। जैसे ये हैक का 10 mm बेल्ट है और ये हैक का 13 mm बेल्ट है, 13 mm बेल्ट इज वे मोर स्टिफर देन द 10 mm बेल्ट। 10 mm बेल्ट भी स्टिफ है बट इसको अगर आप एक बार यूज करेंगे ना आपको समझ आएगा कि इसका स्टिफनेस इसके सामने कुछ भी नहीं। ये मेरे को बहुत महीने हो गए यूज करते हुए, अभी भी सेम लेवल ऑफ स्टिफनेस ऑफर करता है, ये अभी भी एकदम भी सीधा नहीं होता, बहुत ज्यादा स्टिफनेस। तो हो सकता है आपके जेन्युइन लेदर के बेल्ट ज्यादा ड्यूरेबल हो इन द लॉन्ग टर्म, बट स्टिफनेस में ये सचमुच में मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना स्टिफनेस डाल रहा है। लेवर बेल्ट को ऑनलाइन देख के आप कभी भी नहीं समझ सकते कि उसका क्वालिटी स्टिफनेस लेवर क्या होने वाला है, उसके लिए आपको रिव्यूज़ पे ही भरोसा रखना हो। और कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि ये बेल्ट रिव्यू करो वो बेल्ट रिव्यू करो। देखो आप जो भी बेल्ट रिव्यू चाहते हैं कंपनी से जाके एक बार बोल दो कि मुझे सेंड करने के लिए, दैट्स इट। कंपनी को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, उनको बोलो कि मुझे रिव्यू करने के लिए सेंड करने के लिए, एंड अगर कंपनी को सच में भरोसा है उनके लेवर बेल्ट्स के ऊपर देन वो डरेंगे नहीं सेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सच ही बोलने वाला। इनमें से कोई भी खरीदना है अगर आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर पूरा रिव्यू देखना है इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे जाके देख सकते हैं।